मंच से बड़े महत्वपूर्ण लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं उसका विशेष उसका संज्ञान लेना चाहता हूं। बहुत से लोगों को आपने बहुत करीब से देखा और हमारे बीच कुलदीप भी हैं, आए हैं पार्टी में, आए काफी समय से मैंने इनको देखा है, छात्र राजनीति से उठ के आए, भूमिका इनकी बड़ी है, इनका मैं स्वागत करता हूं। बड़ौद के वाल्मीकि समाज के जिम्मेदार जिन्होंने सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई लड़ी है और बीजेपी और शायद बसपा में भी कुछ लोग सक्रिय रहे, वे भी आज आपके इस दल में आए, परिवार में आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन क्षेत्रों में जाएं, ये मत सोचना ये कोई वोट का मसला भी नहीं है, ये पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, ये पार्टी के आह्वान पे आप आए हो। हम ये भी सोचना है, विचार करना है कि दल कैसे मजबूत होगा, लेकिन आज अगर हम किसान पंचायत कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रहे कि कोई वोट का मसला, बात यह है कि आपको एक एक विधायक की कुर्सी पे नजर रखनी पड़ेगी, सही बात है, लेकिन हम लोग इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमारी भावना जुड़ी हुई है इस मुद्दे के साथ, ये हमारे खून की बात है, हमारी पहचान और अस्तित्व का सवाल है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे हो एक्टिव, आज गांव देहात के प्रतीकों को लेकर आप सोशल मीडिया पे सक्रिय रहे, टिप्पणियां करते रहे, ये आपका मौका है। देश भर में पिछले 100 दिन से लगातार किसान 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 बात जा रही, मैसेज जा रहा है, हर वर्ग का आदमी देख रहा है कि किसान के साथ बुरा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मैंने आज 2 बजे से एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाया, उसको जरा आप लिखो, ट्रैक्टर पे आपकी कोई तस्वीर हो होंगी खूब, हैशटैग ट्रैक्टर प्राइड का इस्तेमाल करो और ट्वीट करो या फेसबुक पे पोस्ट डालो, अभी फोन निकाल के कर लो, कोई बात नहीं। मैं ये पंचायत है, कुछ प्रस्ताव अपने तरफ से रखना चाहता हूं, शायद आज यहां भी मौजूद है एक पत्रकार जिनका नाम मैं कई जगह सभाओं पे ले चुका हूं, वो इस व्यवस्था से अलग है, वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और हम सबकी प्रार्थना है कि निष्पक्ष पत्रकार के रूप में वे समाज की सेवा करते रहे। उनका नाम है मंदीप पूनिया और आपने देखा था कि उन्होंने इतना ही किया था कि उन्होंने वीडियो जारी की थी कि सिंघू बॉर्डर पे किस तरह से हिंसा को रचा गया, कोई स्वतः नहीं हुआ था, उसके पीछे तंत्र था, वहां पुलिस मौजूदगी में महिलाओं के टेंट को जलाने का प्रयास किया गया, पेट्रोल बम लेके वहां गुंडा तत्व जो है उसको भेजा गया सिर्फ इसी मकसद से कि किसान का आंदोलन कमजोर। ये मात्र वीडियो जारी करने के बाद सरकार उनके पीछे लग गई और इनका तो नाम बाहर आया है, इनके नाम की चर्चा हम लोगों ने की है, ना जाने कितने ऐसे और लोग होंगे जिनके खिलाफ इस सरकार ने अनैतिक कार्रवाई की है। आज इस पंचायत के माध्यम से हम एक आवाज में ये प्रस्ताव पारित करें कि इस तरह के जो पत्रकार हैं, जो समाज सेवी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो किसानों की सेवा कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ऐसी अनैतिक कार्रवाई सरकार करेगी तो जिस तरह महात्यागी कांड में क्षेत्र में एक लहर दौड़ी थी और लोग कूद पड़े थे, निस्वार्थ बड़ी कुर्बानी करने को हम सब तैयार हैं। जय चौधरी, जय चौधरी, जय चौधरी। दूसरा मेरा प्रस्ताव है कानून को लेकर, हालांकि मैंने कोशिश की लेकिन कानून की बारीकियों को आप समझ चुके हो, आप जानते हो ये कानून से किसान का कोई हित नहीं होने वाला, बड़े लोगों के हित को साधने के लिए कानून बनाए गए और आपने देखा अब तो खुल के होता है। जो प्रधानमंत्री पहले किसान और गरीब हर भाषण में बोलते थे, अब वे सुबह उठते हैं तो आदानी अंबानी का नाम का राग लगाते हैं और सोने से पहले भी वही नाम लेते हैं। उनके नाम पे स्टेडियम बनाया गया, उनका नाम रखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एक छोर है अदानी, दूसरा छोर अंबानी। तो ये किसान ऐलान करते हैं हमें बचानी है खेत खलियानी और इन्हें बचाने हैं अंबानी और अदानी, ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। ये जो कानून आपने बनाए हैं मोदी जी, इन्हें वापस ले लो। ये पंचायत का दूसरा प्रस्ताव मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, आप राजी होना तो आखिर में हाथ उठा लेना कि ये कानून सरकार वापस ले
और जो किसान को MSP नहीं दिया जाता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया ईमानदारी से, उसके लिए तंत्र बनाए, व्यवस्था बनाए, बताओ ठीक बात है? ठीक बात है। तीसरी बात, कुछ हमारे बीच के ही है बेचारे गुलाम, पिंजरे में कैद है, उन्हें देखकर दया आती, उनके लिए कोई ज्यादा कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता, वो हमारे बीच के ही हैं, कभी ना कभी सद्बुद्धि आएगी, लेकिन उनके लिए बहुत सुंदर लेखन करने वाले फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में गरीबी पे उनके गाने बहुत प्रसिद्ध हुए, और 100 साल की उनकी सेंटिनरी होने वाली 8 तारीख को, साहिल विद्यालवी, उनके शब्दों में मैं वर्णन करता हूँ कि जब आप आज अपने स्वार्थ को, जो लोग बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए जुटे हैं, किसानों के आंदोलन का विरोध करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का विरोध करते हैं, नागरिक की आजादियों का हनन करते हैं, जब अगले चुनाव में आप जाओगे तो एक एक मतदाता आपको क्या बोलेगा? आज से मेरे फंड का मकसद जंजीरें पिघलाना है, आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा। तो ये साहिल विद्यालवी के में बोल है, सुंदर बोल है, एक एक मतदाता के रूप में किसान अगले चुनाव में, ये मेरा आखिरी प्रस्ताव है, पंचायत का चुनाव जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हर चुनाव में जब तक ये किसान के आगे झुकने को राजी नहीं होते, इनको हम राजनीतिक चोट देने का फैसला लें, अगर आप राजी हो तो हाथ उठा के बता दो। मैं बहुत खुश हूं नौजवानों को देखकर, मैंने इसलिए जो जीन्स पहननी शुरू कर दी, सब पीछे देख रहे हैं, तो ये धोती पहनने वाले, टोपी लगाने वाले, पगड़ी पहनने वाले तो पहले ही हमारे साथ, लेकिन जीन्स वाले जोड़ने हम इन्हें बहुत बहकाया गया, नौजवानों को बहुत बहकाया, इन्हें नारा दे रखा है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया ऐसा आया है कि भर्ती कैसे होती है आपको पता है, भर्ती हो नहीं रही, अब तो प्री में 5-6 महीने गुजर जाते हैं, प्री भी खत्म हो रहे हैं, सिपाहियों की भर्ती होनी थी 14,000 की तो करा दी, 39,568 जो पोस्ट निकले थे पुलिस के, आप ही रह गए, और फिर नहीं भर्ती निकाली इनने। तो जो नौजवानों के साथ धोखा किया है सरकार ने, अभी भी झूठ बोलते हैं योगी जी, कभी 2 करोड़ पता नहीं कितने बता दे कितना, नौजवानों आपके बाबू जी है, बाबू जी नहीं बाबा जी है, इनका बाबू बना देना कोई बात नहीं, नौजवानों मेरे साथ नारा लेना, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय ग्रीन।